ओके, वेरिएबल्स सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होते हैं? जस्ट लाइक कोई भी एक मेमोरी लोकेशन को हम लोग यहाँ पे वेरिएबल बोलते हैं, जिसमें हम लोग एक छोटी सी सिंगल वैल्यू को स्टोर करते हैं, जिसमें हम लोग सिंगल वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ए वेरिएबल इज ए नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, इट इज यूज टू स्टोर डेटा, इट्स वैल्यू कैन बी चेंज एंड इट कैन बी रीयूज मैनी टाइम्स, इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट मेमोरी लोकेशन थ्रू सिम्बॉल सो दैट इट कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इस वेरिएबल की बात करें, तो वेरिएबल एक ऐसा मेमोरी लोकेशन होता है जिसमें हम लोग कोई डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, क्या होता है वेरिएबल? एक मेमोरी लोकेशन होता है। ठीक है, तो ये मेमोरी जो होता है, वो मेमोरी हमारे कंप्यूटर में दो टाइप की मेमोरी होती है, एक होता है प्राइमरी और होता है सेकेंडरी। ठीक है, दो टाइप की मेमोरी हमारे कंप्यूटर में होती है, तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी की अगर हम लोग बात करें, तो प्राइमरी मेमोरी में होता है रैम। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, तो हार्ड डिस्क जो होता है, एक प्रकार का परमानेंट मेमोरी होता है। ठीक है, जिसमें अगर कोई भी डेटा अगर हम लोग को परमानेंटली स्टोर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं। ठीक है, अगर हम लोगों को कोई भी टेम्परेरी डेटा स्टोर करना है, तो हम लोग रैम पे स्टोर करते हैं। ठीक है, रैम पे स्टोर करते हैं। तो हमारे कंप्यूटर में दो टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो हम लोग जो यहाँ पे वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो वेरिएबल जो होगा वो हमारे प्रोग्राम में हम लोग बना रहे हैं, तो वहां पे इस रैम का यूज करेगा। ठीक है, तो रैम के अंदर की अगर हम लोग बात करें, तो रैम में बहुत सारे मेमोरी ब्लॉक्स बने होते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप के स्लॉट्स बने होंगे अलग अलग। ठीक है, इस टाइप से अलग अलग स्लॉट्स बने होंगे। ठीक है, तो जो वेरिएबल हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, वो एक छोटा सा मेमोरी लोकेशन होगा, छोटा सा एक मेमोरी लोकेशन होगा जिसके अंदर एक वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, जैसे कि मान के चलो एक वेरिएबल हमने बनाया। ठीक है, हमने इंटीजर का एक वेरिएबल ए बनाया। ठीक है, इंटीजर का एक वेरिएबल ए बनाया, ये ए जो है वेरिएबल नेम है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक वैल्यू को स्टोर करेंगे, एक मान को रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने एक वेरिएबल ए बनाया है, ठीक है, ये क्या है, एक मेमोरी लोकेशन है। कौन सी मेमोरी लोकेशन है? इस रैम के अंदर में बहुत सारे इस टाइप के ब्लॉक्स बने होंगे, मेमोरी ब्लॉक्स। ठीक है, इसमें से कोई एक मेमोरी ब्लॉक जो है, ये वेरिएबल ए को मिल जाएगा, अलोकेट हो जाएगा। ठीक है, अब इस ए के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी, वो इसी मेमोरी ब्लॉक में स्टोर होगी। ठीक है, इसी मेमोरी ब्लॉक में स्टोर की जाएगी। ये मेमोरी ब्लॉक है, वो सिर्फ और सिर्फ ए के लिए रिजर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिजर्व हो जाएगा। अब इस ए के अंदर मान के चलो मैं वैल्यू डालता हूँ 10। ठीक है, ए के अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूँ 10। ठीक है, तो 10 वैल्यू किस में असाइन हो गया? ए में असाइन हो गया। मतलब 10, ए की वैल्यू अब क्या हो गई? 10 हो गई। और ये 10 वैल्यू जो है, कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा? इस मेमोरी ब्लॉक में जाके स्टोर हो जाएगा। हम लोग जब चाहे इसकी वैल्यू बदल सकते हैं, हम लोग की मर्जी, हम लोग जब चाहे इसमें वैल्यू बदल सकते हैं। ए की वैल्यू अब 10 थी, अब यहाँ पे 15 कर लो। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? अब अपडेट होके 15 हो जाएगी। मैं ए इक्वल टू 20 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या वैल्यू हो जाएगी? 20 हो जाएगी। ठीक है, तो वेरिएबल हम लोग इसलिए बोलते हैं ताकि हम लोग इसकी वैल्यूज को कभी भी चेंज कर सकें। ठीक
वेरिएबल हम लोग उसी को बोलते हैं जिसकी वैल्यूज फ्रीक्वेंटली कभी भी चेंज हो सकती है, ठीक है, आया समझ में, इसलिए इसको वेरिएबल बोला जाता है। तो वेरिएबल क्या होता है, एक छोटा सा स्टोरेज होता है, क्या होता है, स्टोरेज, छोटा सा स्टोरेज होगा जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक सिंगल वैल्यू को स्टोर करते हैं, ठीक है, इसमें सिंगल वैल्यू होगा, कोई भी मल्टीपल वैल्यू नहीं होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, जो कभी भी बदल सकता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कभी भी बदल सकती है उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश का एक वर्ड है वेरिएबल, इसका मतलब यही होता है, ठीक है, लेकिन जब हम लोग सी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो वेरिएबल उस केस पे एक स्टोरेज होता है, क्या होता है, स्टोरेज होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, सिंगल वैल्यू मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, कोई भी वैल्यू जैसे 10 है, 20 है, ठीक है, ए है, ठीक है, इस प्रकार के हम लोग कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन सिंगल वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लोग स्टोरेज की बात करते हैं तो ये स्टोरेज का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा मेमोरी, ठीक है, जब कंप्यूटर चलता है तो वो बिना मेमोरी के कभी भी नहीं चलता है, ठीक है, उसको मेमोरी चाहिए होता है, उसको मेमोरी चाहिए होता है। तो हमारे कंप्यूटर में दो टाइप की मेमोरी होती है, ठीक है, कौन कौन सी मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, और सेकंड होती है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो होता है जो जब तक उसको करंट मिल रहा है तब तक, मतलब जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक उसमें डेटा स्टोर होगा, जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा उसमें के सारे डेटा डिलीट हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि रैम, ठीक है, हर कंप्यूटर में रैम लगा होता है, 1 GB रैम, 2 GB रैम, 4 GB रैम, ठीक है, 8 GB रैम, ठीक है, इस टाइप के रैम्स लगे होते हैं, ठीक है, बिना रैम के कोई भी कंप्यूटर नहीं होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, जो कि एक वोलेटाइल मेमोरी होता है, वोलेटाइल मेमोरी होता है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सा आता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, जो कि एक परमानेंट स्टोरेज होता है, जिसमें हम लोग बहुत सारे डेटा स्टोर करके परमानेंटली रख सकते हैं, ठीक है, और उसको बाद में भी कभी देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये दो टाइप की मेमोरी अवेलेबल होती है, ठीक है। तो हम लोग जब भी कोई एक वेरिएबल बनाते हैं, जब भी कोई सी प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं, उसमें मेमोरी एलोकेट कहाँ पे होती है, इस रैम पे होती है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग अभी नहीं देखेंगे, हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, रैम के बारे में, ठीक है। अगर हम लोग इस रैम के बारे में बात करें तो हम लोग को यहाँ पे बहुत सारे मेमोरी ब्लॉक्स मिल जाते हैं, ठीक है, इस रैम के अंदर बहुत सारे मेमोरी ब्लॉक्स बने होते हैं, ठीक है, जैसे 1 GB रैम है, 1 GB रैम है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स बने होंगे, ठीक है, मान के चलो ये 1 GB का रैम है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स पहले से बने होते हैं, ठीक है, जितने भी प्रोग्राम कंप्यूटर में रन करते हैं, जितने भी प्रोग्राम इस कंप्यूटर में चलते रहते हैं, ठीक है, सभी को इसी में से मेमोरी मिलती है, ठीक है। अब पूरे पूरे कंप्यूटर की हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग अपने सी प्रोग्राम की बात करेंगे। तो सी प्रोग्राम में अगर हम लोग कोई वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, वेरिएबल क्या है, एक स्टोरेज है जिसमें एक सिंगल वैल्यू स्टोर करना है हम लोग को, तो हम लोग को बहुत बड़ी मेमोरी की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, इस रैम में एक मेमोरी ब्लॉक रिजर्व कर लेते हैं, ठीक है, एक मेमोरी ब्लॉक क्या करेंगे, हम लोग रिजर्व कर लेंगे। जैसे मान के चलो ये वाला मेमोरी ब्लॉक जो है वो हमने रिजर्व कर लिया, ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया int a, ठीक है। अब इस a में मैं वैल्यू डालता हूँ 10, वैल्यू डालता हूँ मैं 10, ठीक है, तो ये 10 वैल्यू जो है इस मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगी,
10 वैल्यू जो है इस मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और ये कब तक स्टोर रहेगी? जब तक हम लोग का प्रोग्राम रन होता रहेगा, ठीक है। सभी लोग ने रन, ठीक है, जब तक प्रोग्राम रन कर रहा होगा तब तक ये मेमोरी इस वेरिएबल को अलोकेट किया गया होगा, ठीक है। जैसे रन करना कंप्लीट हो गया ये मेमोरी हट जाएगा, ठीक है, मेमोरी से हट जाएगा। ये मेमोरी जो होती है वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करते रहते हैं हमारे कंप्यूटर पे, ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे वेरिएबल्स यूज करते रहते हैं, ठीक है। तो मेमोरी एक बार अलोकेट होता है, फिर डीअलोकेट हो जाता, मतलब एक बार मेमोरी मिलता है फिर हट जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इस रैम में चलते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने एक वेरिएबल बनाया ए और उसमें वैल्यू डाल दिया 10, ठीक है, ये 10 वैल्यू जो है इस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो जाएगी, ठीक है। हम जब चाहे इसकी वैल्यू बदल सकते हैं, जब तक प्रोग्राम रन करता रहेगा हम लोग इसकी वैल्यू कभी भी बदल सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी a इक्वल टू 10 लिया था, अब मैं करता हूँ a इक्वल टू 15, ठीक है, a इक्वल टू 15 मैंने कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है। मैंने a इक्वल टू 20 कर दिया, अब क्या हो जाएगा a इक्वल टू 20 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 20 आ गया, ठीक है। तो हम लोग जब चाहे इसकी वैल्यू बदल सकते हैं। अगर मान के चलो मैं इक्वल टू ए प्लस 2 कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हो गया 20 था लास्ट वैल्यू, 20 प्लस 2 इक्वल टू 22, तो लास्ट अपडेट क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग वैल्यूज को कभी भी चेंज कर सकते हैं वेरिएबल की वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 22, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है वेरिएबल, जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है। और वेरिएबल क्या होता है, एक छोटा सा स्टोरेज होता है जिसके अंदर हम लोग सिंगल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही हम लोग को याद रखना है, वेरिएबल क्या होता है, एक स्टोरेज होता है, एक मेमोरी लोकेशन होता है, ठीक है। मेमोरी लोकेशन अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे जो रैम के अंदर ब्लॉक्स बने होते हैं सबका एक एड्रेस होता है, सबका क्या होगा, एड्रेस होगा। जैसे मान के चलो ये वाला ब्लॉक हम लोग को असाइन किया गया है, तो ये ब्लॉक का एड्रेस होगा 1001, ठीक है, ये वाले ब्लॉक का होगा 1002, 1003, 1004, ठीक है। जैसा कि हम लोग एक कॉलोनी में देखते हैं कि क्वार्टर नंबर होता है या हाउस नंबर होता है, वैसी टाइप का यहाँ पे मेमोरी के लिए भी अलग अलग एड्रेस दिए जाते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो ये हमारा मेमोरी लोकेशन है जिसके अंदर हम लोग इस वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करेंगे, ठीक है। डेटा टाइप और वेरिएबल लिस्ट, ये हमारा सिंटैक्स है, मतलब सिंटैक्स मतलब लिखने का तरीका, कैसे हम लोग एक वेरिएबल को लिखते हैं, ठीक है। तो कैसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, इंट ए, इंट क्या है, हमारा डेटा टाइप है, और ए क्या है, हमारा वेरिएबल नेम है, ठीक है। हम लोग इस वेरिएबल नेम को कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया इंट नम, ठीक है, नंबर के लिए मैं नम ले लिया, मैंने ले लिया इंट रोल नंबर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ वेरिएबल नेम कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल नेम हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि कुछ उसका फिक्स होता है, ऐसा हम लोग नहीं ले सकते, हम लोग वेरिएबल नेम कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेटा टाइप, फिर उसके बाद लिखेंगे वेरिएबल नेम, ठीक है। अगर हमें एक से ज़्यादा वेरिएबल लेना है और हम लोग उसका डेटा टाइप सेम रख रहे हैं, ठीक है, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, दोनों वेरिएबल को एक साथ बना सकता हूँ, इंट नम कॉमा रोल नंबर, ठीक है। जो यहाँ पे वेरिएबल लिस्ट लिखा हुआ है तो वो इसी के लिए लिखा हुआ, ताकि हम लोग एक साथ वेरिएबल बना सकें। दोनों का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, दोनों का डेटा टाइप इंटीजर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, क्या कर रहे हैं, हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है।
अब उसके बाद जब वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं तो इसके अंदर हम लोग कोई ना कोई वैल्यू को डालते हैं। कैसे वैल्यू डालेंगे हम लोग, इस प्रकार से, ठीक है, इंट ए इक्वल टू 10, ठीक है, बी इक्वल टू 20। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। इक्वल टू जो होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। ऑपरेटर जब टॉपिक आएगा तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस इतना जान लेते हैं कि इसको हम लोग इनिशियलाइज कैसे करते हैं, ठीक है। हम लोग इस प्रोसेस को बोलते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक है। हम लोग इस वेरिएबल में एक वैल्यू दिए ए इक्वल टू 10, ए इक्वल टू 10 मतलब क्या होगा, 10 वैल्यू जो है ए में स्टोर हो गई, ठीक है। तो अगर हम हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल है तो हम लोग एक से ज़्यादा वेरिएबल में भी इस प्रकार से इनिशियलाइज कर सकते हैं। हम लोग डिक्लेरेशन के टाइम पे भी कर सकते हैं और बाद में भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद फ्लोट का अगर हमें वेरिएबल बना रहे हैं एफ और उसमें हम लोग इस प्रकार की वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को एफ लिखना होता है कैपिटल, तभी समझ पाएगा कंपाइलर कि वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, ठीक है। अगर हम लोग कैरेक्टर की बात करें तो कैर सी इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर हम लोग ए दे दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं, वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इंट ए और लगा दिया सेमी कॉलन, ये हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है। हमने एक बार वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, इस वेरिएबल में वैल्यू असाइन करेंगे और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। मैं लिखूंगा ए इक्वल टू 10, मैं 10 वैल्यू जो है ए के अंदर डाल दे रहा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक है, मतलब वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब इस वेरिएबल की वैल्यू को हम लोग कभी भी चेंज कर सकते हैं सेम प्रोसेस से। ए इक्वल टू मैं 20 ले लेता हूँ, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या हो गई, 20 हो गई, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे कभी भी इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ ए इक्वल टू ए प्लस 2, ठीक है। तो क्या होगा, ए की वैल्यू क्या है, 20 है, 20 प्लस 2, ठीक है। ये किस में असाइन हो जाएगा, ए में असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अब ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 22, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेशन वगैरह भी इस वेरिएबल के साथ में कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। हम लोग जब भी कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वो अकेला वेरिएबल नहीं बना लेते हैं, ठीक है। ऐसा मतलब कि हम लोग कोई भी वेरिएबल कहीं पे भी डिक्लेयर कर दिए एक्स, ऐसा करके हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग हमेशा इसको किसी ना किसी डेटा टाइप स्पेसिफाई करके ही हम लोग करते हैं, ठीक है। या तो हम लोग इंट ले लें, या तो हम लोग फ्लोट ले लें, ठीक है, या तो हम लोग कैर ले लें, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कोई डेटा टाइप के साथ में ही हम लोग कोई वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है। और डेटा टाइप भी हम लोग अकेला ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब डेटा टाइप हम लोग अकेला क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग किसी वेरिएबल या फिर कोई वैल्यू हम लोग को बताना पड़ेगा कि वो वैल्यू किस टाइप की है, ठीक है। तो वैल्यू कहाँ जाएगी, कहाँ स्टोर होगी, तो वो हम लोग को बताना पड़ेगा, तो हम लोग उसके लिए वेरिएबल यूज करते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल हम लोग किसी भी डेटा टाइप के साथ में ही हम लोग लगाते हैं कभी भी, ठीक है, कभी भी हम लोग उसको अकेला यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो डेटा टाइप साथ में वेरिएबल नेम, ठीक है, तो टोटल बनता है एक वेरिएबल, ठीक है। और उसके अंदर हम लोग एक सिंगल वैल्यू को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो फंडा ओवरऑल यही है इसका।